नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। आमतौर पर आपने युवक युवती को सोशल मीडिया में दोस्ती कर जाल में फंसा दुराचार करने के कई मामले देखे या सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना या देखा है कि किसी युवक ने दूसरे युवक को सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर नशे में धुत कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर बार बार गलत काम करता रहा हो। ऐसा ही एक मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र में आया है, जहां पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत थाने में की। शिकायत के आधार पर बुढ़ार पुलिस ने 377, 294, 506 के तहत मामला कायम कर दुराचारी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, जो अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों पर पछता रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवक सुनील के खिलाफ बुढ़ार पुलिस ने थाना खड़गवा छत्तीसगढ़ निवासरत मोहम्मद सादाब उम्र 23 वर्ष के बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 294 व 506 के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक ने कुछ दिनों पहले सुनील कुमार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का प्रयास करते हुए फांसी के फंदे पर झूलने की कोशिश भी की थी। घटना के बाद जब पुलिस ने उससे बयान लिया तो यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश शहडोल के जिले अंतर्गत धनपुरी में रहने वाले सुनील से उसके अप्राकृतिक संबंध हैं। इस दौरान सुनील ने सादाब का वीडियो भी बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर सुनील कभी किसी होटल तो कभी जंगल में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता रहा। 25 नवंबर को सुनील अन्य मित्रों के साथ सादाब को शराब में कुछ मिलाकर पिलाया और अचेत अवस्था में उसे लेकर सब्जी मंडी गंज रोड शहडोल स्थित शीतल छाया में कमरा बुक किया। वहां उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के साथ ही वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद लगातार फोन करके छत्तीसगढ़ से उसे बुढ़ार बुलाता रहा और उसके साथ गलत कार्य करता रहा। पीड़ित युवक ने बताया कि सुनील से उसकी पहचान हरजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। बाद में दोनों फेसबुक पर मित्र बने और दोनों के बीच घंटों चैटिंग होती रही। 25 नवंबर को घर पर कार्यक्रम के दौरान सादाब को बुलाया और शराब पिलाकर उसके साथ गलत कृत्य किया। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। धन्यवाद। सुनील के साथ छाया होटल गया था, लेके गया था, नशे में मेरे साथ उसके वीडियो बनाए और मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर। तो जबरन लेके जाता था आपको? जी, एक बार वहाँ गए, आया होटल में एक बार। और उसके अलावा कहाँ ले गए? और साइड में गए। कितने बार ले जा चुका? दो तीन बार। गलत काम करता था? जी। क्या बोल के करता था? वीडियो बनाता था। एक बार बनाया था, उसी की वजह से बोलता था रहने के लिए साथ। मैं जब मना करने लगा तो मेरे को धमका देना। धमका था? क्या बोलता था? वीडियो वायरल कर दो। और तेरे को माँ बाप को मार दो। शैडो किस होटल में ले गया था? शीतल छाया। वहाँ भी गलत किया था? वहीं वीडियो वहीं बनाया था। ये सब गलत काम किसने किया? आप से इसका संपर्क कैसे हुआ, कैसे दोस्ती हुई, कैसे जान पहचान हुई? फेसबुक के जरिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ क्या करते थे आप? हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ स्टेट में कोरिया जिले में चरगांव जगह है, जहाँ का सादा नाम का 20-22 साल का युवक है। उसकी दोस्ती फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से धनपुरी निवासी सुनील से हुई थी, और जिसमें आपस में बातें किया करते थे। उस समय सुनील ने सादाब को अपने आप को ट्रांसपोर्टर बताया था और अपने आप को जाति से ठाकुर बताया था। इस दोस्ती के दौरान ही अनिल से सुनील सिंह ने अपने घर कोई प्रोग्राम था, उसके यहाँ सादाब को बुलाया कि मेरे घर में प्रोग्राम, इसलिए आप आ जाइए। जिस वजह से सादाब यहाँ बुढ़ार रेलवे स्टेशन पे आया था और इनके साथ सुनील के साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ। और दोस्तों में जहाँ सुनील ने सादाब को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाई, जब वो नशे में हो गया तो इसे किसी होटल में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया और साथ में उसकी वीडियो बना ली।
इसी वीडियो के दम पे ये लगातार सुनील जो है दादा आपको भिन्न भिन्न स्थानों पे कभी जंगल में कभी किसी होटल में कभी किसी घर में ले जाके लगातार उसके साथ अपना प्रैक्टिक संबंध बनाता रहा, जिसकी वजह से सादा काफ़ी परेशान हो गया था और उसने अपने यहाँ चरगाँव सुसाइड की कोशिश भी की थी। जब उसने सुसाइड की कोशिश की तब घर वालों ने इसका कारण पूछा, तब उसने ये कारण बताया कि सुनील लगातार उसके साथ अप्रकृतिक संबंध बना के तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर से सुनील सादा के घर वालों ने चरगाँव थाने में रिपोर्ट कराई थी, चूँकि घटनास्थल शहडोल जिले का था इसलिए वो डायरी हमारे जिले में आई और बुढ़ा थाने में हमने उसका अपराध पंजीकृत किया सुनील के खिलाफ और सुनील की तलाश की, तो पता चला कि सुनील सिंह नाव के सुनील स्वीपर है जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और भिन्न भिन्न उसके वीडियो क्लब भी तलाशे जा रहे हैं। धारा 370 के तहत उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, आगे भी विवेचना जारी है और भी तथ्य आएंगे जो प्रकरण में शामिल किए जाएंगे। शहडोल के सीतल चर्चित होटल में भी इसने शहडोल के सीतल छाया लॉज में भी द्वारा साथ साथ ये सैदाब नाम उसका शायद रजिस्टर देख के मुझे मालूम हुआ। और ये कस्टमर जो है हमारे यहाँ दो लोग आए थे, लड़के लोग लड़के थे, क्या उम्र थी इसकी, और ये लोग आकर के 4:30 बजे हमारे यहाँ रूम में एंट्री किए हैं। उनके हाथ की राइटिंग सा रजिस्टर में उन्होंने एंट्री किया है, उनके खुद के हस्ताक्षर हैं और पूरी राइटिंग उन्होंने भरा पूरा पेपर में। और दूसरे दिन दोपहर के 2:30 बजे यहाँ से गए हैं और होटल में आकर के कस्टमर कोई भी आता है रुकता है होटल में आकर के रुकता है। हम होटल में कमरा तो कभी किसी का देखते नहीं हैं ना, कमरे हम लोग कभी किसी घुसते हैं। और उसके बाद जब एंट्री होती है उसकी और एंट्री होने के बाद वो तब चले जाते हैं, तब हम लोग कमरा चेक करते हैं। नहीं, हमें ऐसे कोई जानकारी नहीं है ना, हमें ऐसा कुछ किसी तरह की हमें पूछ सकता न कल्पना ही हम लोग कभी कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होटल में होता कभी कराते किसी भी कर्मचारी की मिली भगत नहीं इस मामले में ना, इस कोई भी कर्मचारी।